Hello friends, welcome to my channel online the target educational center Patna. मैं वंदना सोनम आज एक नए टॉपिक जिसका नाम टेबल टेस्ट है को लेकर के आई हूँ। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर जिसमें आज हम लोग टेबल टेस्ट के बारे में जानेंगे, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। इस टेबल टेस्ट को रो कॉलम टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसे हिंदी में तालिका परीक्षण भी कहा जाता है। इसका जो स्थान होता है वो टेस्ट टू में होता है और इसके लिए आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनों की जो संख्या होती है वह 10 होती है और इसका निर्धारित समय 5 मिनट का होता है। चलते हम लोग देखते हैं इसको कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको कैसे हमें करना है। इसमें जो चर्चा होती है वो कॉलम और रो की चर्चा होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रो और कॉलम क्या है। तो अगर हम लोग कॉलम के बारे में समझे तो कॉलम को हम लोग हिंदी में स्तंभ के नाम से भी जानते हैं और रो को हम लोग पंक्ति के नाम से जानते हैं। और इसको समझने के लिए देखिए मैं कैसे समझाती हूँ। जैसे रो है तो रो मीन्स पंक्ति हुआ, तो ये जो हमारी पड़ी रेखा है इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं, यानी जो कि लेटा हुआ है वो हमारा पंक्ति है। प से पंक्ति हुआ तो प से पड़ा हुआ हुआ, तो जो मेरा पड़ा हुआ भाग होगा वो हमारा पंक्ति में काउंट होगा, यानी कि मेरा रो में काउंट होगा। और अब चलते हम लोग स्तंभ की ओर या कॉलम की ओर। जो खड़ा भाग होगा, जो खड़ी रेखा होगी उसको हम लोग स्तंभ के नाम से जानते हैं। जैसे जो कोई भी घर बनता है तो वो पिलर पे बनता है, उसको समझिए कि वो हमारा स्तंभ होता है। जैसे कि मैंने इसे दिखाया है, ये जो है हमारे वो स्तंभ है ये, और जो ये है हमारे रो है। कभी आपके ऐसे सब समान सेट में स्तंभ और पंक्ति दिया जाता है लेकिन किसी किसी बोर्ड में ये नहीं भी दिया जाता है। जैसा कि 2012 के एग्जामिनेशन में बेंगलोर बोर्ड में कॉलम और स्तंभ के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया था, उसमें स्तंभ के जगह पर 1 2 3 4 5 दे दिया गया था, उसी तरह से पंक्ति के जगह पर भी 1 2 3 4 5 दे दिया गया था। तो उस समय भी आपको जो ये पड़ी रेखा है, जो बड़े रेखा वाले बॉक्स में जो लेटर भरे होंगे उसको हम लोग पंक्ति मानेंगे और खड़े रेखा के अंदर में जो भी लेटर होंगे उसको हम लोग स्तंभ मानते हैं। इसमें जो है बॉक्स में आपके ए से लेकर के ई तक के अल्फाबेट भरे होते हैं और क्योंकि हमारा ऑप्शन भी ए से लेकर ई तक ही होता है इसलिए इसमें ए से लेकर के ई तक ही भरा जाता है। अब जब हम लोग स्तंभ और पंक्ति जान गए, इसमें और एक प्रश्न आता है इसमें स्तंभ और पंक्तियों का अदला बदली। तो चलते हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका अदला बदली किया जाता है। बोला जाएगा कि पंक्तियों का बदला बदली, यानी आपको दिया जाए कि पंक्ति एक का पंक्ति तीन से अदला बदली करने पर, तो पंक्ति एक को अब पंक्ति तीन से बदला अदला बदली करना है, तो जो पंक्ति तीन का जो लेटर होगा वो पंक्ति एक में चला जाएगा और पंक्ति एक का जो लेटर है वो पंक्ति तीन में चला जाएगा। देखते हैं हम लोग कैसे इसे करते हैं। पंक्ति तीन में देखिए क्या क्या है, सी है, बी है, फिर सी था, फिर बी था और फिर ई था, जो इसका स्थान जो है वो बदल करके पंक्ति एक में चला गया। इसी तरह से पंक्ति एक का जो लेटर था वो जिस जगह पर था वही जगह पे पंक्ति तीन में चला गया। यहाँ पे ए था, सी की जगह पे अब ए चला आएगा और यहाँ पे डी था तो डी की जगह पर सी चला आएगा। यहाँ पे सी था, यहाँ पे अब इसका स्थान जो है वो ई ले लेगा, इस सी का स्थान। इसी तरह से बी में यहाँ भी बी था, ये स्थान भी है बी का ले लेगा, यहाँ ई है तो ये ई हो जाएगा। यानी कि जो पंक्ति तीन में था जो भी लेटर वो पंक्ति एक में चला गया और पंक्ति एक का पंक्ति तीन में चला गया। अगर आप ध्यान से देखें तो इसे हम अगर मान लें उस टाइम में जिस टाइम पे प्रश्न हल करने दिया जाए, इसको जो पंक्ति तीन था इसे बिना बदले सिर्फ हम लोग यहाँ जो पंक्ति एक था इसको उठा के पंक्ति तीन बना देंगे और इस पंक्ति तीन को उठा के यहाँ रख देंगे तो क्या हुआ, ये पंक्ति एक यहाँ चलाया और ये पंक्ति तीन यहाँ चलाया, तो भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब आता
बाद आता है अस्तंभ का अदला बदली। देखते हम लोग अस्तंभ को कैसे हम लोग अदला बदली करते हैं। बोल दिया जाए अगर आपको अस्तंभ दो की अदला बदली अस्तंभ चार के साथ में करने के लिए तो क्या करेंगे, ये हमारा स्तंभ है दो का और ये हमारा स्तंभ है चार का। तो जो अब अस्तंभ दो का जो लेटर होगा वो अस्तंभ चार में चला जाएगा और अस्तंभ चार का जो लेटर है वो अस्तंभ दो में चला आएगा। देखिए यहाँ पे बी था ये अस्तंभ दो में चला जाएगा, ये अस्तंभ चार का जो बी था वो अस्तंभ दो में चला जाएगा और ये अस्तंभ चार का फिर बी है ये अस्तंभ दो में चला जाएगा। इस तरह से इसका हम लोग स्थान बदलते हैं। अब जो स्तंभ दो का लेटर था वो स्तंभ चार में चला जाएगा। इस तरह से हम इसको बदलेंगे, इस तरह से स्तंभों की अदला बदली की जाती है। इस जगह पर भी अगर आप इस स्तंभ चार को उठा करके स्तंभ एक में रख लें और स्तंभ दो को उठा के स्तंभ चार में रख लेंगे तो भी आपको वही लेटर मिलेंगे जैसा हमने अदला बदली किया था। तो इस तरह से समय बचाने के लिए आप उसको स्तंभ का स्थान चेंज करने पर आपके लेटर खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। अब इसके बाद जब हम लोग स्तंभ और कॉलम को जान गए, अब इसमें एक प्रश्न आता है विकर्ण के बारे में। अगर हम लोग देखें एक चतुर्भुज में तो हम लोग दो ही विकर्ण देखते हैं, लेकिन इस तालिका के अनुसार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अनुसार से आपके पास में चार विकर्ण दिखाई देते हैं। देखिए अगर इस कोने से देखा जाए एक विकर्ण ये हमारा होगा, इस विकर्ण इस कोने से कुछ देखा जाए तो एक विकर्ण ये होगा, इसी तरह से अगर इस कोने से कोई प्रश्न होगा तो उसके लिए विकर्ण ये होगा, इसी तरह से इस कोने के लिए पूछा जाएगा तो उसका विकर्ण ये होगा। अब देखते हैं हम लोग इसमें विकर्ण कैसे होता है। अगर आपको बोला जाए कि पंक्ति एक का विकर्ण, जैसे ही बोला जाए पंक्ति एक का विकर्ण, यानी ये हमारा पंक्ति एक है तो पंक्ति एक का शुरुआती लेटर कौन सा है, ये है शुरुआती बॉक्स कौन सा है, ये है, यही हमारा विकर्ण होगा। यानी कि हमारा जो विकर्ण बनेगा वो मैं दिखाती हूँ कैसे बनेगा, वो विकर्ण अब हमारा ऐसे बनेगा पंक्ति एक का विकर्ण। क्योंकि अब जब आपको क्लियर नहीं किया गया तो इसमें अगर जैसे ही बोला गया पंक्ति एक हमारा ये होगा, अगर आपको बोला जाए पंक्ति एक और स्तंभ एक का तब तो यहाँ आपको क्लियर कर दिया, तब तो हमारा यही विकर्ण बनेगा, यानी जो पंक्ति एक का विकर्ण था वही विकर्ण पंक्ति एक और स्तंभ एक का भी होगा। इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है पंक्ति पांच का विकर्ण। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पंक्ति पांच का विकर्ण, ये हमारा पंक्ति पांच है और उसका शुरुआती बॉक्स कहाँ है, यहाँ है। तो अब जो हमारा पंक्ति पांच का विकर्ण होगा वो ऐसे होगा, इस बारे में हम लोग नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे। पंक्ति एक के विकर्ण में हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो पंक्ति पांच के विकर्ण में हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। अब अगर बोला जाए इस जगह पे स्तंभ पांच का विकर्ण, तो अब देखिए यहाँ स्तंभ पांच का अगर ये देखा जाए स्तंभ पांच का ये शुरुआती बॉक्स है और ये पंक्ति एक का लास्ट लेटर है, इसलिए पंक्ति एक का नहीं बल्कि ये स्तंभ पांच का विकर्ण है। जो भी शुरुआती जिसका भी होगा उसी का वो विकर्ण होगा, इसलिए ये स्तंभ पांच का शुरुआती बॉक्स है। तो ये हमारा जो विकर्ण होगा ऊपर से नीचे की ओर ये हमारा स्तंभ पांच का विकर्ण होगा। और अब आते हैं इस विकर्ण के बारे में, अगर इस विकर्ण को ध्यान से देखिए तो ये स्तंभ पांच का लास्ट बॉक्स है और पंक्ति पांच का भी लास्ट बॉक्स है। तो इस विकर्ण के बारे में जब भी आपको पूछेगा तो वो आपको बताएगा कि स्तंभ पांच और पंक्ति पांच का विकर्ण, तब हमारा विकर्ण नीचे से ऊपर की ओर ऐसे जाएगा। इस वाले विकर्ण के लिए आपको वो हमेशा बताता है कि स्तंभ पांच और पंक्ति पांच का विकर्ण। इसके बाद भी कुछ विकर्ण जो होते हैं वो इसके अंदर भी होते हैं, जब आप सेट प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। वो होता है कि जैसे यहाँ पांच पांच का कॉलम बना करके दिया गया है, पांच रो पांच कॉलम को मिला करके बना है, उस जगह पे आपको तीन रो और तीन कॉलम को मिला करके, यानी कि इस तरह से आपका एक त्रिभुज का ये चतुर्भुज का निर्माण करके इसके अंदर के विकर्णों से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें भी आपको ध्यान में रख करके बनाना होता है। इस तरह से इसमें देखा, इस तरह के विकर्ण के बारे में इसमें पूछा प्रश्न किया जाता है।
और इसमें एक बात होता है कि इसके तालिका का मध्य बिंदु और विकर्ण का मध्य बिंदु, तो जो विकर्ण का मध्य बिंदु होगा यानी कि ये वाला जो भाग है जिसमें कि ये सी भरा हुआ है, ये हमारे विकर्ण का भी मध्य बिंदु है, जो विकर्ण का मध्य बिंदु होगा वही हमारी तालिका का भी मध्य बिंदु होता है। अब इसके बाद इसमें जब सारे विकर्ण जान गए, अब इसके बाद जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं आपके विकर्णों का अदला बदली। देखते हैं हम लोग विकर्णों का अदला बदली कैसे किया जाता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि विकर्णों को परस्पर बदलने के लिए, तो उस टाइम पे आपको पंक्ति एक और स्तंभ पांच के जो विकर्ण है उसको अदला बदली करना होता है। यानी अब देखिए हम लोग कैसे इसे अदला बदली करते हैं। ये हमारा विकर्ण है, जब भी बोला गया विकर्णों का अदला बदली तो हमारा ये दोनों ही विकर्ण को अदला बदली करना होगा। अब जो ये हमारा इस वाले भाग का जो ई था वो विकर्ण के इसके शुरुआत में ये चला जाएगा, यहाँ से एक्सचेंज हो जाएगा और ये हमारा ए यहाँ चला जाएगा। अब ये विकर्ण का शुरुआत था, फिर ये दूसरे बॉक्स में गया, ये जो इसका जो लेटर था वो यहाँ चला जाएगा, यानी पंक्ति दो का जो था बॉक्स, पंक्ति दो स्तंभ दो का वो बदली होकर के पंक्ति चार, पंक्ति दो के और स्तंभ चार में चला जाएगा। इस तरह से ये बदल जाएगा और ये जो मध्य बिंदु है वो कांस्टेंट रह जाएगा क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है। इस तरह से इसका हम लोग परिवर्तन करते हैं, अदला बदली करते हैं, ये यहाँ चला जाएगा और ये लेटर यहाँ चला आएगा। फिर इसी तरह से इसका जो लेटर है वो यहाँ चला जाएगा और इसका लेटर यहाँ चला जाएगा। इस तरह से जब विकर्णों की अदला बदली करने के लिए बोला जाए तो हम लोग इस तरह से विकर्ण का अदला बदली करते हैं। अब इस जगह पे प्रश्न आते हैं विकर्ण के स्तंभों का अदला बदली या फिर स्तंभों के विकर्ण का अदला बदली, तो देखते हैं हम लोग उसको कैसे अदला बदली करते हैं। ये हमारा विकर्ण है, आप बोला गया विकर्ण के स्तंभों का अदला बदली, यानी कि जो हमारा पंक्ति एक और स्तंभ एक का जो लेटर था वो अब पंक्ति पांच और स्तंभ एक में चला जाएगा। इस तरह से अब ये जो हमारा पंक्ति दो और स्तंभ दो का जो लेटर था वो अब पंक्ति चार और स्तंभ दो में चला जाएगा। इस तरह से इसका स्थान परिवर्तन होगा और ये बीच वाला है ये चूंकि तालिका का मध्य बिंदु है तो ये परिवर्तित नहीं होगा, ये जगह इसका फिक्स रहेगा। अब इसी तरह से पंक्ति दो और स्तंभ चार का जो लेटर होगा वो अब पंक्ति चार और स्तंभ चार में चला जाएगा और पंक्ति चार और स्तंभ चार का जो लेटर है वो पंक्ति दो और स्तंभ चार में चला जाएगा। इसी तरह से अब जो पंक्ति पांच और स्तंभ पांच का लेटर था वो अब पंक्ति एक और स्तंभ पांच का जो लेटर था वो अब पंक्ति पांच और स्तंभ पांच में चला जाएगा। इस तरह से इसके स्थानों का परिवर्तन करते हैं। ये हमारा हुआ विकर्ण के स्तंभों का बदलना। ठीक है, आप चलते हैं हम लोग इसमें कि बोला जाता है क्या कि पंक्ति को उल्टे क्रम में लिखने के लिए या पंक्ति को विपरीत क्रम में लिखने के लिए, तो देखते हैं हम लोग कैसे पंक्ति को विपरीत क्रम में लिखते हैं। अगर बोला जाए किसी प्रश्न में पंक्ति एक के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने के लिए, आप जो पंक्ति एक का जो लास्ट लेटर था वो अब पंक्ति एक के का फर्स्ट लेटर बन जाएगा। इस तरह से देखिए हम लोग इसको बदलते हैं, पंक्ति जो एक का जो मध्य होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से पंक्ति के अक्षरों को हम लोग बदलते हैं, अगर आपको दिया गया पंक्ति के अक्षरों को बदलने के लिए। आप इसी जगह पर अगर आपको बोला जाए कि स्तंभ के अक्षरों को बदलने के लिए, जैसे बोला गया कि स्तंभ एक के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखने के लिए, अब जो स्तंभ एक का लास्ट लेटर था अब वो स्तंभ एक का फर्स्ट लेटर बन जाएगा। उसी तरह से जो स्तंभ एक का सेकेंड लास्ट था वो स्तंभ एक का सेकेंड बन जाएगा और जो थर्ड था वो कॉन्स्टेंट रह जाएगा। अब जो स्तंभ एक का जो सेकेंड था वो सेकेंड लास्ट बन जाएगा और स्तंभ एक का जो फर्स्ट था वो अब लास्ट बन जाएगा। इस तरह से स्तंभ को हम लोग उल्टे क्रम में लिखते हैं। इसके बाद आता है आपको विकर्ण
उल्टे क्रम में लिखने के लिए हम लोग देखते हैं विकर्ण को कैसे उल्टे क्रम में लिखते हैं। अगर आपको बोला जाए पंक्ति एक के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखने के लिए, पंक्ति एक का विकर्ण कौन सा है? यही है, क्योंकि ये मेरा शुरुआती लेटर था। तो अब पंक्ति एक का यानी विकर्ण एक, ये जो पंक्ति एक का जो विकर्ण का शुरुआत था वो ए था, वो जो लेटर था वो अब सबसे विकर्ण के लास्ट लेटर का जगह ले लेगा, यानी कि जो ए था वो डी के जगह पे चले जाएगा, और ये जो बी था जो दूसरा था वो अब सेकेंड लास्ट बन जाएगा, और ये चूंकि मध्य है तो ये कॉन्स्टेंट रह जाएगा। अब जो उसी तरह से अब जो ये सेकेंड लास्ट था वो सेकेंड बन जाएगा, और ये जो लास्ट था वो अब हमारा फर्स्ट बन जाएगा। इस तरह से हम लोग विकर्ण के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखते हैं। इसके बाद अब जो आती है इसमें आता है आपका प्रश्न, वो होता है से और के पर आधारित। अगर आपको पूछा जाए कि पंक्ति एक से, जैसे ही से की चर्चा की जाए इसका मतलब है कि हमें साथ में लेके जाना है। से किसे बना है? सा से बना से, ध्यान में रखिए कि इसे मुझे साथ में लेना। सा से किसे बनता है? सा से, तो हमें ध्यान रखिए कि सा से मुझे साथ में ले लो, यानी अगर बोला गया आपको पंक्ति एक के पहले अक्षर से, पंक्ति एक के पहले अक्षर से चलने के लिए, यानी इसको हम लोग शामिल कर लेंगे तब हम लोग गिनेंगे। अगर इसी जगह पर बोला जाएगा के, यानी कि उस अक्षर को हमको छोड़ देना है। के किसे बनता है? क से, ये हो गया क से काट, काट दो यानी उसको हटा दो, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपको बोला जाए कि पंक्ति एक और स्तंभ एक के अक्षर के दाएं दूसरा, यानी इसको हमको छोड़ देना है, इस वाले को कर दो, इसको हटा करके अब कहां से गिनेंगे हम लोग? एक दो, यानी इसके बारे में पूछा गया। अगर इसी जगह प्रश्न होता पंक्ति एक स्तंभ एक के पहले अक्षर से दूसरा, से दूसरा बोला गया, अब इसको हम लोग शामिल कर लेंगे, इसको साथ ले लेंगे, एक दो, अब ये हमारा सी जो है वो हमारा दूसरा हो जाएगा। इस तरह से इसमें होता है से और के बारे में। इसके बाद जो इसमें होता है वो होता है बायां और दायां। इसको समझने के लिए कैसे हमारा बायां और दायां है, ये ध्यान रखिए जो आपका बायां है वही तालिका का भी बायां होगा, जो आपका दायां है वही तालिका का भी दायां है। जैसे मान लीजिए बोला कि आपको कि पंक्ति पांच के का दाहिना, क्या है ये पंक्ति पांच, यहाँ है हमारा का दाहिना, दाहिना क्या होगा? ये होगा। इसी जगह बोला गया पंक्ति पांच का बायां, बायां क्या होगा? ये हो गया। अगर मान लीजिए बोला गया आपको पंक्ति पांच और स्तंभ तीन के अक्षर के दाएं, यानी कि ये जो है इसके दाएं क्या होगा? ये हमारा जो है बाएं से दाएं जाएंगे वो हमारा दायां होगा। और अगर इसी जगह बोला जाता पंक्ति पांच और स्तंभ तीन के अक्षर के बाएं दूसरा, तो क्या हो गया? बाएं, इसको छोड़ देना के था, इसको छोड़ करके दूसरा, ये अब बाएं बोला गया, यहां से जो हमारा बायां था अब हम लोग दाएं से बाएं जाएंगे, ये हमारा बायां होगा, यही तालिका का भी बायां होगा। ये इस तरह से आपके प्रश्न इसमें, ये हम लोगों ने अभी पंक्तियों के दाएं बाएं के बारे में जाना। ये एक जरूरी बात ध्यान में रखिए कि अगर कभी भी दाएं और बाएं की चर्चा हो रही होगी तो हमारे पंक्तियों के लिए चर्चा की जाएगी, ना कि स्तंभों के लिए। अब चलते हैं हम लोग स्तंभों के लिए कैसे प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, मैं वो बताती हूँ। स्तंभ के लिए बोला जाएगा, मान लीजिए कहा गया पंक्ति तीन के तीसरे अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर, तो आप ध्यान से देखिए कि अगर इसके ऊपर दूसरा अक्षर जो हमारा ई है तो ये किसमें आ रहा है? ये हमारे स्तंभ में आ रहा है। और इसी जगह पर अगर बोला जाता है कि पंक्ति तीन के तीसरे अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर, तो ये भी हमारे स्तंभ में भी स्तंभ में ही आ रहा है। तो इस तरह स्तंभ में जो प्रश्नों की चर्चा होती है वो ऊपर और नीचे के रूप में होती है, इसलिए जब भी ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो समझिए कि हमारे स्तंभ के लिए बोला गया है। इस तरह की चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की ओर, देखते हैं उसे हम लोग कैसे हल करते हैं। मैंने यहाँ कुछ प्रश्न लिख के रखे हैं, पहले मैं उसे सॉल्व करती हूँ, फिर आप लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट पर उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, ये हमारा एक टेबल है, ये तालिका दिया हुआ है और इस पर ही आधारित कुछ प्रश्न आपके पास है। चलते हैं अब हम लोग अपने प्रश्न पर। इसमें कहा जा रहा है पहले प्रश्न में,
स्तंभ चार, हमारा स्तंभ कहाँ है, यहाँ स्तंभ चार के नीचे और पंक्ति चार के सामने, ये हमारा स्तंभ चार हुआ और ये हमारा पंक्ति चार के सामने के अक्षर के बाएं, यानी के का शब्दों का इस्तेमाल किया गया, हम इसे छोड़ देंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है के मीन काट दो, इसको छोड़ के बोला जा रहा है इसके बाएं। अब कैसे चलना है, मुझे दाएं से बाएं चलना है, इसका हो गया इसके बाएं तीसरा, यहाँ इसको छोड़ के काउंट करेंगे एक दो तीन, कौन सा लेटर आ रहा है मेरा, डी आ रहा है जो कि हमारा आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हम लोग दूसरे प्रश्न पर, इसमें है स्तंभ एक के नीचे, ये हमारा स्तंभ एक हुआ, कहा जा रहा स्तंभ एक के नीचे चलकर डी तक पहुंचे, तो हम लोग डी तक पहुंच गए, उसके दाएं तीसरा अक्षर, यहाँ भी के जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसको छोड़ करके बोला गया कि दाएं तीसरा अक्षर, दाएं क्या हो गया, बाएं सब दाएं जाएंगे, तीसरा अक्षर क्या हुआ, एक दो तीन, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर हमारा डी है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हम लोग तीसरे प्रश्न पर, तीसरे प्रश्न में है पंक्ति एक को पंक्ति तीन के अक्षर से एक्सचेंज करने पर, यानी कि जो पंक्ति तीन का अक्षर था, पंक्ति एक का अक्षर था वो पंक्ति तीन में जाएगा, पंक्ति तीन का अक्षर जो है वो पंक्ति एक में चला आएगा, क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये हम लोग चेंज करते हैं, पंक्ति एक और पंक्ति तीन के अक्षर से एक्सचेंज करने पर पंक्ति तीन के बाएं से तीसरा अक्षर, तो पंक्ति तीन के बाएं से बोला गया, बाएं से बोला गया जाने के लिए, तो यहां से चलेंगे तीसरा अक्षर कौन सा होगा, एक दो तीन, तीसरा अक्षर हमारा क्या आ रहा है, हमारा तीसरा अक्षर क्योंकि हमने इसे एक्सचेंज किया था, यह हमारा आंसर हो जाएगा ई। चलते हम लोग चौथे प्रश्न की ओर, देखते हैं चौथे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, चौथे प्रश्न में है स्तंभ एक के सबसे नीचे अक्षर, स्तंभ एक का जो सबसे नीचे का अक्षर यानी कि ई है, इसके विकर्ण अक्षर के विकर्ण तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि इसको भी बोला गया इस अक्षर के विकर्ण, इसको छोड़ करके तीसरा अक्षर बोला जा रहा है, यानी विकर्णों की चर्चा हो रही है, अब हमारा पंक्ति तीन का विकर्ण क्या हो जाएगा, इसका नीचे का लेटर का बोला गया विकर्ण, तो हमारा विकर्ण ऐसे जाएगा और बोला गया इस लेटर का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, एक दो तीन, तीसरा अक्षर क्या है हमारा डी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं हम लोग पांचवे प्रश्न की ओर, पांचवे प्रश्न में है स्तंभ पांच और पंक्ति एक के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखने पर, स्तंभ पांच यानी कि जो स्तंभ पांच मैंने पहले कह दिया था, अगर स्तंभ अगर आपको बोला जाए स्तंभ पांच में तो हमारा विकर्ण ये होगा, क्योंकि ये हमारा पहला लेटर है तो ये हमारे स्तंभ पांच का विकर्ण होता है, और ये जो है हमारा बोला गया पंक्ति एक का विकर्ण, तो ये हमारा पंक्ति एक का विकर्ण होगा, इसमें बोला गया कि इसके विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखने पर, यानी कि जो इसका स्थान था इसको हम लोग को उल्टे क्रम में लिखना है, तो जो इसका लास्ट का स्थान था वो हमारा पहला होगा, सेकेंड लास्ट दूसरा हो जाएगा, तीसरा का जगह फिक्स होता है, इसके बाद जो सेकेंड लास्ट था वो दूसरा उसका स्थान लेगा और फर्स्ट का स्थान जो है वो लास्ट ले लेगा, इसमें भी हम लोग इसी तरह से एक्सचेंज करते हैं, तो ये दोनों जगह समान है, और ये जो दूसरा था वो सेकेंड लास्ट विकर्ण का बनेगा, तीसरा कांस्टेंट रहेगा, अब ये जो दूसरा है उसका स्थान सेकेंड लास्ट लेगा और लास्ट का जो स्थान है वो फर्स्ट ले लेगा। अब बोला गया है उल्टे क्रम में लिखने पर स्तंभ चार के नीचे चौथा अक्षर, स्तंभ चार के नीचे चौथा अक्षर बोला गया है, स्तंभ चार ये है, इसके नीचे चौथा अक्षर एक दो तीन चार, चौथा अक्षर के विकर्ण, अब इस चौथा अक्षर के विकर्ण, तो ये हमारा चौथा अक्षर विकर्ण है, के तीसरा अक्षर कौन सा होगा ये पूछा जा रहा है, तो तीसरा अक्षर हम लोग गिनेंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसका तीसरा अक्षर देखते हैं कौन होता है, एक
दो तीन, तीसरा अक्षर हमारा डी है क्योंकि शुरुआत में ही बोला गया था इसके विकल्प को एक्सचेंज करने के लिए, तो अब जो हमारा ए था वो हमारा डी बन गया, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। पांचवें का आंसर हो गया डी। चलते हम लोग छठे प्रश्न की ओर, देखते हैं इसमें क्या है। छठे प्रश्न में स्तंभ पांच में कौन सा अक्षर है, सॉरी स्तंभ पांच में कौन सा अक्षर नहीं है, वह अक्षर किस स्तंभ में ज्यादा बार आया है। स्तंभ पांच में बोला गया है कि कौन सा अक्षर नहीं है। देखिए इसमें ए है, बी नहीं है, फिर सी है, डी है, ई है। बोला जा रहा है कि कौन सा अक्षर नहीं है, वह किस स्तंभ में ज्यादा बार आया है। तो अगर देखें एक स्तंभ में तो बी नहीं आया है, दूसरे स्तंभ में दो बार आया, तीसरे स्तंभ में नहीं आया, तीसरे बार में ये तीन बार आया है। तो बोला क्या है कि जिसमें ज्यादा जिसमें ज्यादा बार आया उस स्तंभ में मध्य अक्षर। अब इस स्तंभ का मध्य अक्षर क्या है, बी। मध्य अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर, अब हमें इसे छोड़ देना है, इसके नीचे दूसरा अक्षर की बात करें तो एक और दो, नीचे अक्षर कौन सा होगा दूसरा अक्षर, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। इसमें कहा जा रहा है स्तंभ पांच के विकर्ण में ऐसी कौन सी संख्या है जो नहीं आई है। स्तंभ पांच के विकर्ण में, स्तंभ पांच का विकर्ण क्या हो गया, यह हो गया स्तंभ पांच के विकर्ण में बोला गया कौन सी संख्या है जो नहीं है। इसमें देखा जाए तो ए नहीं है, बी है, सी है, डी है और ई है। इस जैसे प्रश्नों में अगर आपका आंसर नहीं में आता है तो हम लोग नहीं वाले आंसर की प्रश्नों की ओर जाते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है कि स्तंभ पांच के विकर्ण में ऐसी कौन सी संख्या है जो नहीं आई है, यदि आया है तो। इस प्रश्न का उत्तर पंक्ति पांचवी चौथी संख्या में होगी, इसमें आया नहीं है तो हम लोग नहीं वाले पर जाएंगे। तो अगला प्रश्न कह रहा है नहीं, तो इस प्रश्न का उत्तर वही होगा, जब हमारा आंसर ना में आए तो हम लोग ना की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है नहीं, तो इस प्रश्न का उत्तर वही होगा जो पंक्ति एक, पंक्ति एक का विकर्ण यह है, पंक्ति एक के विकर्ण में सबसे ज्यादा बार, मैंने पहले बता दिया पंक्ति एक का विकर्ण बोलेगा तो हमारा यही विकर्ण होगा। पंक्ति एक के विकर्ण में को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारा डी जो है वो दो बार आया है और इस पूरे विकर्ण में ये सबसे ज्यादा बार आया, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। इस तरह हम अपने प्रश्नों को हल करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो अभी आपके नए सिलेबस को इंक्लूड किया गया है कल उसको मैं लेकर के आऊंगी, जिसका नाम है कंसंट्रेशन टेस्ट, मैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। तब तक आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट्स के द्वारा भेजते रहिए। धन्यवाद।